प्लीज रखिए। थैंक यू सो मच। आपने बैठना था तो बात स्टार्ट होनी थी। बड़ी बारिश हो रही है लाहौर में तो भाई। हाँ देखिए आप आई हैं तो ये बारिश लेके आई हैं आप या यहाँ से लेके जाएंगी? नहीं अगर मैं लेके आ सकती हूँ तो कराची में भी ले जाती हूँ। सोनिया बहुत सियानी भी है माशाल्लाह। इन्होंने पता कि मैं बारिश उधर लेके गई तो गड्डी में चप्पू लुवाने पड़े। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने देखा था लास्ट टाइम जो पिछले साल बारिश थी, लिटरली लोग बोट्स लेके निकल गए थे, वो उस पे इतना ज्यादा पानी जमा। आप कभी फंसी हैं कि भाई शाम को शूटिंग से आप जा रही हो और पानी पानी हो? नहीं क्योंकि प्रडिक्शन हुई भी होती है बारिशों की, तो उस वक्त फिर शूट्स वगैरह नहीं रख रहे होते यूजुअली। अच्छा वाकई? जी। अब हम भी क्योंकि अपनी मैं माशा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन कर रही हूँ फिल्म। अच्छा वेरी गुड, सोनिया प्रोड्यूसर हो गई इसका मतलब है। जी फाइनली मैंने देखना मेरी चलाकी, हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। जरा फिल्म के बारे में बताइए, तो बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, बस ये फाइनली डिसाइड किया कि अब कुछ न्यू गुड स्टार्ट करना चाहिए जिंदगी में, अब एक्टिंग के बाद भी। तो आप खुद परफॉर्म भी कर रही हैं या सिर्फ प्रोड्यूस कर रही हैं? इस फिल्म में कर रही हूँ, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बजट के वो होते हैं, अपने पैसे तो बचाऊं। हाँ ऑब्वियसली। तो हमारे पास बहुत बड़े जावेद साहब हैं, बहुत बड़े बड़े जावेद शेख साहब हैं, वेरी गुड वेरी गुड। फिल्म में अच्छी बात इस फिल्म की है कि इट्स एन एक्शन फिल्म, तो अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बस ये आपने देखे लव वाला एक जॉनरा हुआ है, कॉमेडी जॉनरा, या एक आध किसी ने हॉरर फिल्म बनाई भी है, लेकिन एक्शन फिल्म मैंने नहीं देखा कि कोई भी उस तरह से। मौला जट में किसी हद तक एक्शन था। मौला जट तो एक, अब उसको बिल्कुल वो तो एक उन्होंने अलग बेंचमार्क, मगर एक्शन जॉनरा पे उस तरह से काम। जी। अच्छा सुनिया, पूरी दुनिया में जो एक्शन मूवीज बन रही है उसके लिए जो एक्शन डायरेक्टर्स है वो अलग से होते हैं ना, अब तो वही होता है कि वो वायर्स बांध देते हैं और इधर से उधर उड़ के चले गए और वहाँ चले गए और चले गए, तो आप भी एक्शन के लिए अलग से कोई डायरेक्टर कमीशन कर रही हैं या लोकली सारा कर रही हैं? हमारे यहाँ जो ये फाइट इंस्ट्रक्टर्स तो हमारे हैं ऑब्वियसली। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान अभी तक उस तरह से प्रोफेशनली उस तरह से साउंड भी नहीं हुआ है एक्शन को लेकर, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है उतनी ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, मुझे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन अब अच्छी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़े से अब अलाउंसेस दिए हैं, आई थिंक 2 अरब कुछ करके उन्होंने, अब अल्लाह करे मिल भी जाए लोगों को। तो वो है, तो मुझे अच्छी बात लगती है कि चलो शुक्र है कि इस एंटरटेनमेंट की तरफ इनकी थोड़ी तवज्जो जा रही है, क्योंकि लोग ये रियलाइज नहीं करते एंटरटेनमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का नाम कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। बाहर से कोई आपने कमीशन नहीं किया? अब फिलहाल नहीं है, लेकिन VFX हम कनाडा से करा रहे हैं। अच्छा वेरी गुड। जी वेरी गुड, क्योंकि उसके अभी हमारे पास इतनी कमांड नहीं किसी के पास। ठीक है, तो आपने प्लेस भी बेशुमार की, अब तो बेशुमारी हम कहेंगे, और फिल्में भी आपकी काफ़ी सारी हो गई हैं, ज़्यादा लुत्फ किस में आपको आता है, फिल्म में या प्लेस में? वसी साहब सच बताऊँ तो फिल्म में yes. एक तो ये कि फिल्म बड़ा टू द पॉइंट कॉन्टेंट होता है, जल्दी करके जल्दी ख़त्म हो जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ना फिल्म में ज़्यादा है। यस बहुत ज़्यादा। टीवी में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जो है ना वो लिमिटेड है, और हम ऑडियंस को देख, क्योंकि टीवी हर घर में चल रहा होता है, अब हर चीज़ नहीं, ऑल्दो आप एजुकेट कर सकते हैं उसको, वो कहते हैं ना कि आप मैसेज को किसी पर्दे में लपेट के आप लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस तरह खुले आम आप मुजाहरा नहीं कर सकते जिस तरह आप बड़े पर्दे पे कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर अब आपकी चॉइस होती है आके देखना या नहीं देखना। कौन सा प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया जो आप समझती हैं जिसने आपको कंटेंटमेंट दी हो कि अच्छा इसमें कुछ सोशल चेंज के हवाले से भी कोई मैसेज आपने दिया हो? वैसे तो काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैसेज बेस्ड हो। एक मैंने किया था ऐसी तन्हाई, जिसमें वो लड़की, वो आपने देखा है वो, जिसमें वो लड़की सोशल मीडिया अब्यूज के मुझे भी पूछ ले, मैंने भी देखा है। आपने भी देखा है? जी मैं तो हर देखता हूँ, मैं तो मिस ही नहीं करता। हाँ जी कई बार मेरी कार से कल तो लड़ाई हुई है। क्या होता है उसमें बताएं बताएं अब बताएं क्या था बताएं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि वो फ्रेंड्स होते हैं दो, उनको ये होता है आपस में शादी होनी है, तो वो इस तरह की बात आती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इस तरह से वो उससे पिक्चर्स मांगता है, उसका बॉयफ्रेंड टाइप होता है, वो कहता है तुम अपनी पिक्चर्स दे दो, कहती है मैं तो इस तरह नहीं करती शादी से पहले, कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं, वो लड़का बुरा नहीं होता लेकिन वो ट्रस्ट की बात हो रही होती है, तो लड़की ला के देती है और कहीं से उसका फोन स्नैच हो जाता है, वो पिक्चर्स वायरल जाती है, तो वहाँ पे भी दिखाया। मैं मुझे आपसे इतनी इजाज़त दीजिएगा, बड़ी उमदा बात आपने की, मैं चाहूँगा कि ये बात आप मुकम्मल करें, मगर मैं चाहूँगा कि आप जो बात कर रही हैं ये हमारी बच्चियाँ खास तौर पर बच्चे ज़रूर देखें। जी क्योंकि जो आप बात करने जा रही हैं मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़ी अहम बात है, प्लीज़ कंटिन्यू। तो हमें तो ये लगता है ये छोटी सी एक स्क्रीन है, लेकिन ये स्क्रीन बड़ी डेंजरस है, हमें नहीं पता इसका ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी कि आजकल देखिए ना स्क्रीनशॉट्स भी लोग लेते हैं, आप किसी को वॉइस नोट उसका भी मिसयूज़ हो जाता है, लोग एक दूसरे को
क्या कहते हैं जी, ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और सिर्फ या बाजू का लड़वाने के लिए इसका मैसेज उसको कर दिया, उसका इसको कर दिया, और इतना हद तक हो गया खुदकुशी तक नौबत आ जाती है, क्योंकि हमारे तक पता है सोसाइटी कितनी कंजर्वेटिव है, यहाँ तो उल्टा अपने घर में ही अपने बच्चों को वो कर रहे होते हैं, ये इस तरह की चीज होती है, तो माँ इतना शर्मिंदा होती है, अपने हाथ से अपनी बेटी को जहर का निवाला खिलाती है कि मैं ये नहीं बर्दाश्त, मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैसेज ये है कि किसी भी सूरत में किसी भी आदमी से जिससे आपका एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं है, उससे कभी अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर नहीं करनी। और इवन अगर है भी, अगर आपका हस्बैंड भी है ना, इस फोन के थ्रू कोई चीज ना करें, ये बहुत गलत चीज है। उसके अलावा दूसरा, मैं एक आपने बड़ी अहम बात की सोनिया, इसलिए कि हमारे मुशाहिदे में और मुताले में पढ़ने में आया कि बाज़ुकात ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने भी जब रिलेशनशिप खत्म हुआ तो एक दूसरे की तस्वीरों को एक्सप्लॉइट किया, कितनी तकलीफ दे बात, बहुत तकलीफ। तो माशरा अपनी वैल्यूज बिल्कुल हम नीचे सबको पता है, बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत आप देखें जिंदगियां चली जाती हैं इस चीज के पीछे। मैनू भी जरा दसो कि सोनिया जेड़ा है, सोनिया वाला सोनिया, सोनिया छेड़ने लगे थे जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मुझे नहीं पता पंजाबी का है या किसका है, वैसे लिखा सोने आ जाएगा। हाँ जी नहीं, लेकिन मुझे पंजाबी वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं सीख रही हूँ वैसे आजकल। अच्छा जी जी, मैंने कहो ना फिर चांद तो आज बड़ा सोहना लग रहा है जो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज ऑन एयर कह दूं, प्लीज मुझे पंजाबी में कुछ कह दें, गाली काट दो कह दो पर मर दफा हो जाके कह दो, आपको समझ आया इसने क्या कहा? जी जी समझ तो आती है, तो फिर कह दो ना तुसी ओ चांदो जिद्दे विच बहुत सारे दाग। अच्छा अभी कास्ट में कौन कौन है आपकी फिल्म में? कास्ट बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, ठीक है, चार पांच लोग हैं, लेकिन अभी उसकी कास्ट रिवील का एक पूरा वो करेंगे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत जल्दी, वेरी गुड। तो सोनिया जी फिल्म में विलन तो जरूर होगा, तो मैं कैसा रहूंगा उसमें? आप विलन तो नहीं लगते शक्ल से, आप तो बहुत मासूम लगते हैं। मुझे गेटअप में लेके आए, मैं दरिंदा लगूंगा। आप हंस रही हैं, आप यकीन करें मेरी बीवी रोज मुझे कहती है कि तुम एक दरिंदा सिफत आदमी हो, दबा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। सबकी बीवियां कहती हैं। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बस बैठे विदास। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फाइन एक्ट्रेस, चुलबुली, शोख और चंचल, वन एंड ओनली सोनिया हुसैन साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। Welcome back.